हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन माय चैनल न्यू अरा मैथ्स क्लासेस। कैलकुलस के लास्ट लेक्चर में हमने किया था एनर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। एनर डेरिवेटिव जैसे एक्स रेज टू पावर एम का हमने एनर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, लोग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ई रेज टू पावर ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस एक्सेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस का हमने एनर डेरिवेटिव निकाला था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ द लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम मीन्स हम कब अप्लाई करते हैं लेबनीज थ्योरम, जब आपको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हो, ठीक है, और तब आपको उसका एनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तब हम यूज़ करेंगे लेबनीज थ्योरम। आज हम इसका प्रूफ करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। स्टेटमेंट देखिए, लेबनीज थ्योरम बाय नेम भी आ जाती है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इफ़ यू वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स पोजेसिंग डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर, यू और वी एक्स के फंक्शन दे रखे हैं और ये जो वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, nth तक मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन एंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे, देन यू वी मींस यू इनटू वी एन। अब ये जो एन दे रखा है आपके पास यू वी एन, दैट मींस यू इनटू वी का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डी एन यू वी डी ऑफ एक्स एन, बिकॉज यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। तो जो ये होता है मेरे पास स्फिक्सेस जो दे रखा है, स्फिक्स क्या होते हैं कि एन एन डेरिवेटिव को हम शॉर्ट नोटेशन में लिख देते हैं यू इन टू वी एंड इसको बोलते हैं स्फिक्स, ठीक है। तो यू वी एन मीन्स यू इन टू वी का एन ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। u इंटू वी nth अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे करना है आपको, u n इंटू वी मीन्स u का nth डेरिवेटिव, v एज इट इज प्लस एन सी वन, एन सी वन मीन्स कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा होगा एन सी आर, कैसे ओपन करते हो, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ओपन करेंगे हम u n v एज इट इज प्लस एन सी वन, यू एन माइनस वन मीन्स यू का डेरिवेटिव एन माइनस वन ऑर्डर का, ठीक है। मीन्स इसका मीनिंग होगा डी एन माइनस वन यू डी ऑफ एक्स एन माइनस वन, मीन्स यू का डेरिवेटिव एन माइनस वन ऑर्डर का, ठीक है। इंटू वी वन, वी वन मीन्स डी वी बाय डी एक्स, मीन्स वी का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे वी वन, ओके। प्लस एन सी टू, यू एन माइनस टू u का डेरिवेटिव n माइनस टू ऑर्डर, एंड इंटू वी टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एन सी थ्री, यू एन माइनस थ्री वी थ्री। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि u n माइनस u का स्फिक्स कैसे आ रहा है, एन सी थ्री एंड यू एन माइनस थ्री, दैट मीन्स इन दोनों को माइनस करती हूँ तब हमें u का स्फिक्स मिलता है, ओके। ये जो स्टेटमेंट जब याद करने के लिए हेल्प होती है इससे, एंड जो आपके पास यहाँ पे c का जो स्फिक्स है यही v का होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे टर्म्स में यही बनेगा आपके पास, एन सी आर, एन सी आर हमने लिया, यू का स्फिक्स क्या बनेगा, एन में से आर माइनस करेंगे एन माइनस आर, एंड वी का स्फिक्स हो जाएगा जो एन सी, सी का जो स्फिक्स होगा वही वी का स्फिक्स हो जाएगा, प्लस एन सी एन यू एज इट इज वी का एन एन डेरिवेटिव। ये आपके पास होती है लेबनीज थ्योरम, वेयर स्फिक्सिस ऑफ यू वी डिनोट द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो स्फिक्सिस है इसका क्या मतलब है, इतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है जितना आपको स्फिक्स गिवन होगा। चलिए प्रूफ करते हैं इसका, इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सबको पता होगा मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट हम n को 1 के लिए प्रूव करते हैं, ठीक है, फिर n को हम m पुट करते हैं, फिर m प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं। लेट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लीजिए यहाँ से, देन u v यहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, इक्वल टू u1 v प्लस 1 c1 u1 माइनस 1 v1 प्लस एन सी टू में पुट करेंगे 1 c2 1 c2। ये नंबर एग्जिस्ट नहीं होता बिकॉज
दिस इज द एन सी आर, ये तभी एग्जिस्ट करता है, इज एग्जिस्ट, सीधा लिख दीजिए एग्जिस्ट इफ आर, जो एन की वैल्यू होती है, ये आर जो होता है आपके पास लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू यानी कि इसके जो फिक्स में जो नंबर होता है वो इस नंबर से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इससे आगे के यानी 1C2, 1C3, 1C4 अप टू सो ऑन, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ही लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो U1V प्लस 1C1 मीन्स 1, U1 माइनस 1, यहाँ पे हमने रखा था n की वैल्यू 1, ठीक है। तो U0 मीन्स U एज इट इज V1, ओके। ये हमने लिया जब n को हमने 1 लिया। नाउ अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर निकालती हूँ 2, दैट मीन्स U इंटू V का सेकेंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर U इंटू वी, और इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास आ गया इसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू U1, पहले इसका कर लीजिए U1 का डेरिवेटिव U2 V एज इट इज प्लस U1 V1 प्लस U का डेरिवेटिव U1 V1 एज इट इज प्लस U एज इट इज V2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू U2V प्लस 2U1 V1 U V2। इसको आप क्या लिख सकते हो, U2V प्लस 2 को मैंने लिख दिया यहाँ पे 2C1 ओपन करेंगे अगर हम, 2C1 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 1, 2 माइनस 1 इज 1, देन ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2C1 U1 V1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू दिस टर्म, तो 1 को हम लिख सकते हैं 2C2 U V2, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, अगर मैं इस जो थ्योरम गिवन है, हमें स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो मेरे पास यही आएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए 4, n इक्वल टू 1 एंड 2 थ्योरम इज प्रूव्ड। 1 और 2 के लिए हमने बता दिया कि हमारी जो थ्योरम है वो ट्रू है। इसको आप स्टार इक्वेशन ले लीजिए, स्टार इक्वेशन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, 1 के लिए हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे हमने 2 के लिए भी शो कर दिया, ठीक है। और n इक्वल टू m हम लेके चलेंगे, लेट n इक्वल टू 4n इक्वल टू m स्टार मीन्स दिस थ्योरम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर जहाँ जहाँ पे भी आपके पास n है वहाँ पे हम m पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट गिवन हो गई यहाँ से, मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं इंडक्शन में कि n इक्वल टू m के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे m पुट करती हूँ तो UV इंटू m किसके इक्वल आ जाएगा, UmV प्लस MC1 UM माइनस 1 V1 MC2 UM माइनस 2 V2 प्लस अप टू सो ऑन MC, इसे पहले की टर्म लिखिए, इस नंबर से पहले की टर्म निकालेंगे, MCR माइनस 1। U का सिक्स क्या बताया था, M में से आप R माइनस 1 माइनस कर दीजिए, M माइनस R, और माइनस करेंगे तो ये नंबर प्लस का हो जाएगा। एंड V का वही सिक्स रहेगा जो C का है, ठीक है। प्लस है RS टर्म, प्लस MCR UM माइनस R VR, ठीक है। प्लस अप टू सो ऑन NS टर्म MCM UVM, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं कि ये हमें मिल गया क्योंकि हमने n इक्वल टू m के लिए स्टेटमेंट को ट्रू लिया है, तो ये वैल्यू कंप्लीट इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
star equation star in this statement is true for n equal to m plus 1 के लिए, कि हमारे पास जो ये स्टार इक्वेशन है ये m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे. अब हमें जो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे भी आपके पास n है वहाँ पे m प्लस 1 आना चाहिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो स्टेटमेंट है UVM का मतलब है यहाँ पे DMUV, यानी कि mth ऑर्डर का डेरिवेटिव किसका, U इंटू V का. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए U इंटू V m प्लस 1, दैट मीन्स दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ m प्लस 1 ऑर्डर ऑफ U इंटू V. ओके, एम यहाँ पे अगर हमने m लिया, ये शो कर रहा है कि ये mth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा. हमें प्रूव किसके लिए करना है, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, मीन्स हमें m प्लस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. अब आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास y इक्वल टू x रेज टू पावर 4 दे रखा है और आपको चाहिए d4y अपॉन dx4, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 4th ऑर्डर, देन आप क्या करते हैं, सबसे पहले y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, देन इसी का डेरिवेटिव करते हैं y2 आता है, फिर y2 का डेरिवेटिव करते हैं y3 आता है. दैट मीन्स जैसे जैसे डेरिवेटिव करते जाते हो एक एक डेरिवेटिव ऐड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास mth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हमें चाहिए m प्लस 1th ऑर्डर का. तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट का डेरिवेटिव कर देती हूँ 1 टाइम, देन m प्लस 1th डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें यहाँ से. देन यहाँ से लिखते हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट इक्वेशन इज दिस इक्वेशन. ओके, इसी का डेरिवेटिव अगर एक बार और कर देंगे तो mth ऑर्डर तो है ही, एक बार और करेंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा UV m प्लस 1, अंडरस्टैंड, UV mth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 1 टाइम और किया तो हमारे पास m प्लस 1 हो गया. नाउ अब यहाँ पे देखिए UM इंटू वी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, देन फॉर्मूला लगेगा इंटू जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हमारे पास होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकेंड एज इट इज़ प्लस UM का डेरिवेटिव, UM एज इट इज़ V का डेरिवेटिव V1. ठीक है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ हो जाता है और सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव. नेक्स्ट इज दिस स्टेटमेंट का डेरिवेटिव करते हैं MC1 UM माइनस वन का डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा UM. कैसे आया, UM माइनस वन है आपके पास, UM माइनस वन है. अगर आप इसका 1 टाइम मोर डेरिवेटिव कर रहे हो देन इसमें आप ऐड करते हो, कैंसिल, UM आ जाएगा. ओके, देन यू हमने डेरिवेटिव किया UM माइनस वन का, आ गया UM V1 एज इट इज़ प्लस UM माइनस वन एज इट इज़, और V1 का डेरिवेटिव हो जाएगा V2. ओके, प्लस MC2 UM माइनस 2 का डेरिवेटिव करते हो देन ये आ जाएगा UM माइनस 1, एक नंबर ऐड करते हैं, V2 एज इट इज़ प्लस UM माइनस 2 एज इट इज़, V2 का डेरिवेटिव V3. ओके, प्लस अप टू सॉल्व. अब हम करेंगे इस टर्म का डेरिवेटिव, यहाँ पे करते हो MCR माइनस 1 इज अ कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से करेंगे डेरिवेटिव, देन आप UM माइनस R प्लस 1 का डेरिवेटिव करिए, UM माइनस R प्लस 2 1 टाइम ऐड हो जाते हैं, VR माइनस 1 एज इट इज़ प्लस UM माइनस R प्लस 1 एज इट इज़, VR माइनस 1 का डेरिवेटिव करते हैं, ये आ जाएगा VR. ओके, प्लस MCR इंटू UM माइनस आर का डेरिवेटिव करते हैं, UM माइनस आर प्लस 1 VR प्लस UM माइनस आर एज इट इज़ VR प्लस 1. देन लास्ट टर्म बचती है हमारे पास जो mth टर्म है, प्लस अप टू सॉल्व MCM इंटू U इंटू VM, U का डेरिवेटिव हो जाएगा U1 VM एज इट इज़ प्लस U एज इट इज़, V का डेरिवेटिव आ जाता है
वी एम प्लस वन। ओके, ये हमने निकाल लिया कि इस कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको। दिस इज अ यू एम प्लस वन इन टू वी, यू एम प्लस वन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो ये हमारे पास एक ही टर्म है, हम लिख लेते हैं इसको यू एम प्लस वन इन टू वी। नाउ यू एम वी वन एंड यू एम वी वन दोनों इकट्ठा आपके पास सेम फिक्स के हैं, तो इसको आप इकट्ठा ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमने उठा लिया यू एम वी दिस। ओके, इसको हम कॉमन ले लेते हैं यू एम, यहाँ से आ जाएगा वन एंड यहाँ से एम सी वन, एंड यहाँ से कॉमन ले लिया हमने यू एम वी वन। ओके, नाउ सेकेंड इज एम सी वन जो वो मल्टीप्लाई बाय एम यू एम वी वन, एंड ये इसके इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ से ये टर्म एंड यहाँ से ये टर्म, ध्यान से देखिएगा ये टर्म एंड ये टर्म, यू एम माइनस वन वी टू ये कॉमन आ जाएगा, यू एम माइनस वन वी टू इसका मल्टीपल क्या है एम सी वन प्लस यहाँ पे मल्टीपल है एम सी टू, एंड कॉमन हमने लिया है यू एम माइनस वन वी टू। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आप छोड़ दीजिए, इतना ही ले लीजिए प्लस अप टू सॉल्व। नेक्स्ट हम कॉमन लेंगे, देखिए आर एस टर्म पे आ जाइए, एम आर एम सी आर माइनस वन यू एम माइनस आर प्लस टू, ये आपके पास इससे जो पीछे की टर्म आएगी उसके साथ कॉमन आउट आएगा, बट इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यू एम माइनस वन एम माइनस यू एम माइनस आर प्लस वन, यहाँ से मिल रही है एंड यहाँ से मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आ रहा है, इसका मल्टीपल देखिए क्या है एम सी आर माइनस वन, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा एम सी आर माइनस वन, एंड इस टर्म का मल्टीपल है एम सी आर, और कॉमन हमने क्या लिया यू एम माइनस आर प्लस वन इंटू वी आर। ओके, प्लस एंड ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लेते हैं nth वाली टर्म जो लास्ट वाली टर्म है, दिस इज ये जो टर्म आएगी जिससे बैक जो टर्म है यानी यहाँ पे जो m माइनस वन वाली टर्म उसके साथ कॉमन आएगा, लास्ट में जो टर्म बचेगी हमारे पास एम सी एम, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे यू वी एम प्लस वन, अंडरस्टैंड एम सी एम की मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, और ये जो नंबर आएगा इस ये कॉमन आएगा इससे जो लास्ट टर्म आएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम लास्ट टर्म ले लेते हैं डायरेक्टली। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जो ये आपके पास गिवन है वन प्लस एम सी वन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, फॉर्मूला आपके पास होता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, यही फॉर्मूला आपको हर जो आपके पास कॉम्बिनेशन दे रखा है इस पर अप्लाई करना है। वन को आप लिख सकते हो, यहाँ पे वन को लिखा हमने एम सी, इसी को बनाना है जीरो प्लस एम सी वन, दिस इज एम सी वन, अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला एम एम सेम है आपके पास एम प्लस वन सी, जो ग्रेटर होगा वही आता है, यानी कि आर और आर प्लस वन में से हमने आर प्लस वन लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा एम सी वन, तो ये सॉल्व होके कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो एम सी वन आएगी। तो इस तरह से सारी ब्रैकेट्स वाली टर्म आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यू एम प्लस वन इन टू वी दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एम प्लस वन सी वन यू एम इन टू वी वन। ओके, एंड यहाँ पे बनेगा एम प्लस वन ग्रेटर है वन इंटू टू में से टू ग्रेटर टू स्पिक्स आ जाएगा यू एम माइनस वन वी टू प्लस अप टू सॉन, दिस इज एम प्लस वन सी आर, आर माइनस वन और आर में से आर ग्रेटर है, देन एम प्लस वन सी आर इंटू यू एम माइनस आर प्लस वन इंटू वी आर। ठीक है, प्लस अप टू समन एम, इसको आप लिख सकते हो एम प्लस वन सी एम प्लस वन, बिकॉज एम सी एम सी एम वन होता है एंड एम प्लस वन सी एम प्लस वन दिस इज ऑल्सो वन, दोनों की वैल्यू सेम होती है, अगर यहाँ पे नंबर सेम आ रहे हैं कॉम्बिनेशन में तो सब की वैल्यू आपके पास वन आती है,
सेम होती है, तो एम सी एम इक्वल हो जाएगा एम प्लस वन सी एम प्लस वन के, यू इंटू वी एम प्लस वन। ये स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट कर ली एम एफ डेरिवेटिव का, एक बार और डेरिवेटिव निकाल के। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये स्टार इक्वेशन है, अगर मैं इस स्टार इक्वेशन में कंपेयर करते हैं दिस एंड दिस, इफ़ एन इक्वल टू एम प्लस वन इन स्टार इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे एम प्लस वन पुट करती हूँ तो मेरे पास ये स्टेटमेंट आएगी। चेक कर लीजिए, यू वी इंटू एम प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड, यू एम प्लस वन इंटू वी, यहाँ पे n है हमें m प्लस वन रखना है, m प्लस वन सी वन, यू एम माइनस एन माइनस वन है, ओके n माइनस वन हमें रखना है, m प्लस वन माइनस कैंसिल हो गए, यू एम रिमेनिंग फैक्टर एंड v वन, ठीक है, प्लस एम सी एन सी टू है, m प्लस वन सी टू अप टू सो ऑन। तो ये जो स्टार इक्वेशन है ये एज इट इज आएगी दिस स्टेटमेंट इफ़ वी पुट n इक्वल टू m प्लस वन, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट इक्वेशन स्टार इज प्रूव्ड फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए, कि स्टार इक्वेशन हमारी एम प्लस वन के लिए प्रूव हो जाती है, क्योंकि ये हमने खुद प्रूव किया है एम एफ डेरिवेटिव से, क्योंकि एन एम एफ डेरिवेटिव में हम एन इक्वल टू एम इंडक्शन में लेके चले थे और एम प्लस वन के लिए हमने प्रूव कर दिया। देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यू वी एन इज इक्वल टू ऑफ दिस, यानी कि एन एट, अगर आप दो नंबर के प्रोडक्ट का एन एट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देन दिस इज लेबनीज़ थ्योरम एंड दिस इज यूज फॉर एन एट डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो आज हम इसका प्रूफ ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए एंड खूब मेहनत कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।